चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां जिले के तहसील भितरवार में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व ग्वालियर प्रभारी मंत्री गौरी शंकर बिसेन व किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत ने कृषि संगोष्ठी में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने भितरवार में किसानों के लिए मृदा परीक्षण लैब का लोकार्पण किया। वहीं सांसद निधि से निर्मित अभिभाषक कक्ष का भी लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 23 उन्नत स्तर के सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। भितरवार विकास खंड में लकेश्वरी, धुमेश्वर, चिनोर, बड़की, सराय, कराया आदि में भी सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही लकेश्वरी मंदिर के ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए 6 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जाएगी। कार्यक्रम में विधायक भारत सिंह कुशवत, रणवीर सिंह रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जैन, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों एवं विभागीय कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के किसान भी मौजूद थे। किसान संगोष्ठी में आए जिले के प्रभारी मंत्री गौरी शंकर बिसेन मंच पर ही झपकी लेते हुए नजर आए। जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय प्रभारी मंत्री अपनी नींद पूरी कर रहे थे। जब 6 गांव के लोग पानी बिजली की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए उठे, तो कार्यक्रम में मौजूद जिला ग्रामीण अध्यक्ष वीरेंद्र जैन ने उन किसानों को अपनी जगह पर ही बैठने को बोला, जिससे किसान मंत्री से नहीं मिल पाए और अपनी समस्याओं को मंत्री तक नहीं पहुंच पाए। इससे यह साफ स्पष्ट होता है कि किसानों की समस्याएं मंत्री तक नहीं पहुँच सके। केंद्रीय मंत्री व प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में भाजपा नेता भीड़ जुटाने में असमर्थ नजर आए। वहीं बताया जा रहा है कि किसान संगोष्ठी का कार्यक्रम एक भव्य रूप से रखा गया था, जिसकी तैयारी करीब 1 माह पहले से ही चल रही थी। उसके बावजूद भी कार्यकर्ता भीड़ जुटाने में असमर्थ रहे, जबकि ये किसान संगोष्ठी किसी बड़े ग्राउंड में होनी थी। बजाय इसके यह कार्यक्रम एक छोटे से स्कूल परिसर के ग्राउंड में रखा गया। उस ग्राउंड को भी पूरा नहीं भर पाए। आधे से ज्यादा कुर्सियां शासकीय कर्मचारियों से भरी हुई थी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि किसानों की रुचि अब भाजपा के प्रति खत्म होती नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं की भी रुचि खत्म होती नजर आ रही है। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी तैयारियां 3 दिन पहले से ही की जा रही, जिसके चलते स्कूल के छात्रों की 3 दिन पहले ही छुट्टी कर दी गई थी, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी बाधित रही। जब केंद्रीय मंत्री किसान संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित होने भितरवार पहुंचे, तो अध्यापक संघ ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि अध्यापकों को चेकिंग पॉइंट पर हाजिरी लगाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाने की मांग की। अध्यापकों का कहना है कि जिला पंचायत के CEO नीरज कुमार अपने हिटलर राजाशाही चला रहे हैं और मनमानी के आदेश जारी कर देते हैं। ऐसा ही आदेश निकाला गया है कि अध्यापकों को सड़क पर लगाए गए चेकिंग पॉइंट पर ही सुबह 10:30 बजे एवं शाम 4:30 बजे उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, जबकि अध्यापक संघ इसका शुरू से ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यापक संघ ने चेकिंग पॉइंट को खत्म कराने की मांग प्रमुखता से केंद्रीय मंत्री के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए रखी। भितरवार से राजकुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।